मेरठ रोड स्थित ज्ञान कन्या पाठशाला पीजी कॉलेज में एक भव्य चित्रकला प्रदर्शनी द आर्टिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का आयोजन सहयोगी संस्था सृजन लोक आर्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया, जिसका उद्घाटन कुमारी राखी बख्शी, राज्यसभा टीवी एंकर व पूर्व मीडिया एडवाइजर भारतीय संसद और कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नेशनल हेराल्ड अखबार के आर्ट डायरेक्टर व आर्ट क्रिटिक काजी मोहम्मद राघिब, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धर्मपत्नी जिलाधिकारी सुधा शर्मा भी मौजूद रही, जिन्हें कार्यक्रम आयोजकों ने प्रतीक चिन्ह व पटका पहनाकर सम्मानित किया। मौजूद रहे कार्यक्रम में चित्रकला पर जोर दिया गया और आर्ट के बारे में जानकारी दी गई। वहीं अतिथियों ने जैन डिग्री कॉलेज में छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छात्राओं से प्रदर्शनी में लगाई गई पेंटिंगों के बारे में जानकारी ली। छात्राओं को पेंटिंग्स और बेहतर बनाने के लिए टिप्स दिए गए। पहली बार मुजफ्फरनगर आए दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने जैन डिग्री कॉलेज में लगाई गई आर्ट प्रदर्शनी की जमकर प्रशंसा की और बेहद खुश नजर आए। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने कार्यक्रम की कवरेज कर रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी तारीफ की और उनके साथ फोटो सेशन कराया। कार्यक्रम में मेहमानों की आवभगत व मंच संचालन डॉक्टर वंदना वर्मा ने किया और वहीं छात्राओं ने तिलक और इत्र व प्रसाद देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और राष्ट्रगान भी गाया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में शिक्षिका व छात्राएं मौजूद रही। आज मुजफ्फरनगर आई है, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर में मैं समझती हूँ कि पहली बार आई और बहुत अच्छा लगा इतनी बच्चियों को देखकर, और जिस तरह का उत्साह यहाँ पर है, जिस तरह की कला प्रदर्शनी है, अद्भुत लगा मुझे, क्योंकि अनूठे अनूठे रंग, अनूठी अनूठी तस्वीरें यहाँ हमको देखने को नजर आई है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कहना कि फाउंडेशन का काम सराहनीय है, लेकिन उसके साथ साथ ये कहना कि कला जो है वो जोड़ती है, और ख़ासकर हम कहेंगे कि यहाँ पे जो गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ की, खासकर अगर हम मुजफ्फरनगर में देखें, उसको जोड़ने के लिए मुझे लगता है इस तरह की जो कला प्रदर्शनी है और जो कॉलेज ने इस तरह का काम किया है वो बहुत सराहनीय है। खासकर कि सब लोग कला के द्वारा एक दूसरे से जुड़ेंगे, और कला जो है वो हम कहते हैं कि बेड़ियां पार कर जाती हैं, सरहदें पार कर जाती हैं, और कला सबको जोड़ने का काम करती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कॉलेज को इसके लिए और फाउंडेशन दोनों को इस सराहनीय काम के लिए। मुजफ्फरनगर आए जी, किस तरह का कार्यक्रम कैसा लगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये सृजन लोक आर्ट फाउंडेशन है, हम ही लोगों ने बनाई है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा ये आइडिया है कि हम पूरे यूपी में इसको स्प्रेड करेंगे। ऑलरेडी 15 सिटीज़ में एक्टिविटी हो रही है, और यहाँ पर निशा गुप्ता जी ने बड़ा ज़बरदस्त आयोजन किया है, और पहला मतलब लग रहा है कि 250 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दे आर ऑल क्वालिफाइड, BFA BA है, ड्राइंग पेंटिंग में MA है, तो मल्टीपल एग्जीबिशन है। और इस एग्जीबिशन में जो मैंने एक राउंड अभी लिया है कि इसमें आपका रियलिस्टिक वर्क भी है, एब्स्ट्रैक्ट वर्क भी है, लैंडस्केप भी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं। 3D एफेक्ट की भी कुछ मैंने वर्क देखे, और एक इन्होंने इंस्टॉलेशन किया है, लाइव इंस्टॉलेशन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली इंस्टॉलेशन होता है प्रोडक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, मैनिक्विन का होता है, इन्होंने लाइव डेमोंस्ट्रेशन की, ये बहुत ही सराहनीय, बहुत डिफरेंट है। और जो मॉडल्स हैं वो खुद आर्टिस्ट हैं, तो उनका जो पोस्चर है, जो स्टैंडिंग जैसे वो खड़ी हैं, जैसे उन्होंने कंपोजिशन क्रिएट किया है, और वो सिल्वर कलर का जो पेंट उनकी बॉडी पर लगाया गया है, वो बिल्कुल उनको हेजिटेशन नहीं हो रहा, कोई उन्हें परेशानी नहीं आ रही, वो बहुत अच्छी तरह से, और स्टिल ऑलरेडी एक घंटे से वो खड़ी हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है नॉर्मल आदमी को खड़ा रहना, और इस तरह से मेकअप करके और एक पर्टिकुलर पोस्चर में खड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट पीस है। अगर हम इसको, आप इसको ज़रूर उसको दिखाइए पूरा, उसके उनसे बात भी करिए, बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टॉलेशन है, उसको बोल सकते हैं हम लाइव मॉडल इंस्टॉलेशन। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी है, और इतने इंटीरियर में लोग कहते हैं, दिल्ली में मैंने ऐसा नहीं देखा, जो दिल्ली में नॉर्मली क्या होता है कि इंस्टॉलेशन होते हैं, लेकिन ऐसे रियलिस्टिक इंस्टॉलेशन नहीं होते। तो एग्जीबिशन अपने आप में 250 वर्क्स, ऑल डिफरेंट वर्क्स, और हमारा ये आइडिया है कि हम इसको, इसमें से कुछ सिलेक्टेड आर्टिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, और उनको हम दिल्ली में उनका एग्जीबिशन करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनका एग्जीबिशन करेंगे, और हम उनका चैनल से पब्लिसिटी, जैसे आप लोग आएँ आपको बुलाएंगे, तो इस तरह से जितना भी उनका मतलब उनको इम्प्रूवमेंट हो सके उनके वर्क के बारे में, और हम लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिल्ली के अंदर कि आपका जो वर्क आप जो कर रहे हैं उस वर्क की हम उनको गाइड करेंगे इसके अंदर कैसे जाते हैं ऊपर जाने से। और मुजफ्फरनगर के अंदर पेंटिंग में क्या आपको डिफरेंट नजर आया? एक्चुअली दिल्ली में जो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, एक अलग ग्रुप है, एक है जो BFA और MFA करके आते हैं, तो वहाँ में थोड़ा फर्क यह है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है, यहाँ का जो यूपी का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसमें कंपोजिशन एक चीज़ है जिसमें पूरा सिलेबस चलता है। दिल्ली में जो फ़र्क है उसमें क्या, एक सब्जेक्ट को 4 साल आदमी पढ़ता है,
और MFA करता है। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल ये स्कल्पचर भी बनाते हैं, मिनिएचर भी बनाते हैं, मॉडर्न भी बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी बनाते हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो यहाँ का बहुत मल्टीपल, इसमें बेनिफिट भी है थोड़ा लॉस भी है। सडनली आप पास आउट करके बाहर आते हैं तो आप टीचिंग के अलावा दूसरे आर्ट के प्रोफेशन में आपको ढूंढना पड़ता है। अगर आप अच्छे इलस्ट्रेटर हैं तो इलस्ट्रेशन में जाएंगे, अच्छे फोटोग्राफर नहीं, मतलब आपको सब्जेक्ट खुद चूज़ करना है। दिल्ली के सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आप पहले से डिसाइडेड है कि 4 साल आपने पेंटिंग में काम करना है, 4 साल स्कल्पचर में करना है, इलस्ट्रेशन में करना है या फोटोग्राफी में करना है, तो दिस इज़ द डिफरेंस।